नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में रामपुरा गांव में राजनीतिक व सामाजिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, जो कि अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर है कि कोर्ट ने यहां के शराब ठेके का लाइसेंस रद्द कर इसे बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिहायशी क्षेत्र में खुले इन शराब के ठेकों के बंद होने की जानकारी मिलते ही यहाँ पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। कोर्ट द्वारा जारी इस फैसले से कुछ लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जताई। गौरतलब है कि पिछले कई हफ्तों से रिहायशी इलाके में स्थित इस ठेके के खिलाफ यहाँ के RWA व सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। बुधवार को ठेके का लाइसेंस रद्द होने के बाद जनमत की पुकार ने क्षेत्र के कई राजनीतिक व सामाजिक लोगों से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ रामपुरा गांव में, जहाँ पर ठेकों को लेकर 22 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था और आज ठेका का कैंसिल की खबर आते ही यहाँ पे लोग खुशी मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। चतर सिंह जी, आज आप खुशियाँ मना रहे हैं? खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं कि एक सरकार गलत काम कर रही थी। यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं, बच्चे हैं गाँव के, RWA है, उन्होंने लड़के संघर्ष करके और कोर्ट से इस ठेके को रुकवा दिया, जिसका फायदा यहाँ के गाँव के आस पड़ोस के लोगों को, सब घर घर में फायदा होगा और ख़ास तौर से हमारे बच्चों को और औरतों को फायदा होगा, इसलिए ज़्यादा खुश हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी, आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे? देखिए, ये चुनौती नहीं, हमने पहले ही दिन जब सारे लोग यहाँ, हमने फैसला लिया सर समाज ने, हमारी RWA के अध्यक्ष भाई संजय खारी के नेतृत्व में, हमने कहा जब तक इस ठेके को बंद नहीं कर देंगे हम अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें 2 महीने यहाँ हड़ताल पर बैठना पड़े। और उसके लिए हमने सभी का, चाहे हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र और सभी जितने भी हमारे साथी गांव के जितने युवा साथी आप देख रहे हैं, सबने इसमें सहयोग किया। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को सुना और दिल्ली में जो दिल्ली की जनता चाहती है उसके अनुरूप आज फैसला हुआ है। कितने खुश हैं आप लोग इस फैसले से? बहुत खुश हैं, हमने ये आंदोलन 22 दिन तक चलाया लगातार कंटिन्यू, ठीक है, और लोगों का सहयोग मिला पूरा, तो इस हिसाब से हमने बहुत संतुष्ट हैं। और ये हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी आपने बहुत, सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने तन मन धन से हमारा RWA का साथ दिया। जैसे कि पूर्व में तय किया गया था आम आदमी की सरकार के द्वारा कोई भी नीति बनेगी रायशुमारी नीति बनेगी, रायशुमारी अर्थात आम जनता की राय, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। लेकिन ये ठेकों के अंतर्गत जो आयकारी नीति बनाई गई, जिसमें गहन जनसंख्या वाले इलाकों में ठेकों का इन्होंने आरंभ किया, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कितना भीड़ रहती है, इनकी आयकर नीति के अंतर्गत ठेकों के पास में मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, डिस्पेंसरी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर सब कुछ है, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी यहाँ से आते जाते हैं, यहाँ पर मंदिर है जो कि 13 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर डिस्पेंसरी भी स्थित है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने एक्साइज डिपार्टमेंट को लिखा, उन्होंने अपना सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया कि ये अपनी बातों को पूरा नहीं कर रहे थे। हम माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आम आदमी की राय को सुना, समझा, उनकी मुसीबतों को जितेंद्र सिंह तोमर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही लेटर लिख दिया था इसमें। किससे बात हुई? तोमर साहब से। उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में पहले ही लेटर लिख दिया था। लेटरों से होता है क्या? सरकार का फैसला ये है कि पूरी दिल्ली में ठेके खुलेंगे और जोन वाइज करके पैसे लेके उनको अलॉट कर दिया। अब वो कहते हैं हमने लेटर लिख दिया, लेटर लिख से होने तक कोर्ट को ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? अगर लेटर पे रुकता तो ये यहाँ की बजाय कहीं और भी रोक देना, ये 4 कदम पे आगे चल रहा है उसको रोक दे लेटर पे। और 22 दिन में विधायक और पार्षद एक दिन भी धरने में हमारा सहयोग करने के लिए नहीं आए। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये रहता है, ये सरकारों का फैसला नहीं है, ये सरकारों के मुंह पर तमाचा है लोगों का। और ये एक जगह संघर्ष नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। श्रीनगर वालों ने भी कोर्ट से बंद करा दिया, ये भी कोर्ट से बंद करा दिया, पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। और आम आदमी पर पार्टी की सरकार ऐसी है उसके कान पे जू नहीं रेंग रही, वो कह रहे हैं हमारी चिट्ठियों से हो गया। तुम्हारी चिट्ठियों से होता तो फिर ये खुलता है क्यों?
ये रेजिडेंशियल एरिए में ये जो कर रहे हैं, ये दिल्ली के साथ धोखा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि सारी दिल्ली की जनता को शराबी बना दें। ये है, चिट्ठियों से कुछ नहीं होता। ये बच्चों ने संघर्ष किया और कोर्ट के कोर्ट में पाया कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, इसलिए उसको रोक दिया। जायसवाल जी, आपने अभी पहले जिक्र किया कि आज आपके चेहरे पे थोड़ा खुशी झलक रही है। खुशी झलक रही है कि एक अच्छे काम के लिए जब एक संकल्प लिया जाता है तो वो काम होकर रहता है। इस हमारी गांव की RW ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि जो आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद करेंगी कि हमारे बुजुर्ग भी हमें किसी गलत संगत से बचा के चले गए। रही अभी लिख के विधायक ने कहा कि मैंने लिख के दे दिया, अभी कहा गया कि भाई वो आए क्यों नहीं, अगर लिख दिया जाता तो हमें क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की। तो हमारा सबसे जो ज्यादा विश्वास है वो तो न्यायपालिका के ऊपर है कि न्यायपालिका ने हमारी बात सुनी और इस बात को तवज्जो दी और उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया, इसलिए हम अपनी न्यायपालिका का भी धन्यवाद करते हैं RW के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये मैं याद दिला दूं कि लोगों की याददाश्त कमजोर है कि रामपुरा RWA का पहला संघर्ष नहीं है ये। उससे पहले भी जब यहाँ पे BJP की सरकार दिल्ली में थी तो गांव के एक स्कूल में वो क्राइम ब्रांच का ऑफिस खोल रहे थे, तब चतर सिंह जी को याद है या नहीं, तब यहाँ पे डॉक्टर योगानंद शास्त्री और हारन यूसुफ थे, उनको ला करके यहाँ विजिट करवाया था, वो रुकवाया, आज उसमें कम्युनिटी सेंटर खुला है। और ये जो अब ये काम शराब की दुकान का खोलने का हो रहा था, ये गांव की संस्कृति के खिलाफ है। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि गांव की औरतें निकल के आई, उन्होंने संघर्ष किया, वो फ्रंट पे बैठी और सारे गांव ने साथ दिया और आज उसका सुखद परिणाम सामने है। चाहे वो दिल्ली नगर निगम में BJP हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र की सरकार का सांसद हो, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ये गांव के लोगों का संघर्ष है, मैं गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से आप लोग कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं? खुशी का क्षण तो है, लेकिन हम ये कहे कि हम एकदम खुशी और गदगद में रहेंगे, मदमस्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सरकार की नीति है और जिन्होंने ठेका लिया था खोल रहे थे वो भी अपने प्रकार में बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा ये कहना है कि जनता जब सड़कों पर आती है तो चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितने नेता हो, उसको झुकना पड़ेगा। और कोर्ट ने दिखा दिया है कि जनता जब आएगी सड़कों पे तो जनता के मानना पड़ेगा। हमारा केवल शुरू से इतना कहना है, हम सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मेरा सीधा कहना है कि इसको ऐसी जगह पर करें जहां पर रिहायशी क्षेत्र ना हो। रिहायशी क्षेत्रों में ठेके खुलेंगे तो संघर्ष हमेशा होगा और बंद होकर रहेगा, ये कोर्ट ने भी साबित किया है, कोर्ट ने ही माना है, जनता की जीत है। इसीलिए हम सभी RWA वाला, सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, उन सबका जैसे धन्यवाद करते हुए आगे भी संघर्ष में साथ रहेंगे, यही निवेदन करता हूं मैं। विधायक प्रीति तोमर ने पहले ही दिन एक्साइज विभाग को लेटर लिख दिया था। यहां ठीक कह रहे हैं आप, लेटर लिखा विधायक जी ने, लेकिन आप जानते हैं राजनीतिक दलों की एक सीमा होती है और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो राजनीतिक में देखेंगे तो जो विधायक हुआ या कोई भी हुआ या सांसद, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, अपना बचाव भी करना है, तो उन्होंने केवल ये किया कि एक पत्र, ऐसा पत्र दे दिया, पत्र पता ही आपको कैसे मिलते हैं, कोई भी जाके पत्र ले सकता है, लेकिन उन्होंने ना तो यहाँ के समर्थन किया कभी, ना मंच पर आए कभी, ना कभी कमिश्नर को बात की, एक्साइज कमिश्नर को बात की। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है उनको आना चाहिए था, उनको आना चाहिए। मकान मालिक जय किशन जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि रामपुरा वाले बड़े खुश है क्योंकि उनका 40 रुपए जो भाड़ा दूर जाना पड़ता था वो बढ़िया माल मिला है इनको। ये जो भाषा, अगर मान लो आपकी बात उनसे हुई है तो मैं ऐसी छोटी भाषा में ना तो नीचे पढ़ूंगा, ना मैं अपने स्तर को नीचे गिरा, तो अगर ऐसी बात उन्होंने की है तो केवल मैं अफसोस कर सकता हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई गांव तो उनका भी है, वो भी तो इसी गांव में रहे शुरू से ही, पूरा परिवार उनका रामपुर गांव में रहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये शब्द ठीक नहीं है, मेरा इतना कहना होता है। ठेके बंद करने का फैसला किया है, कितने खुश है, कितने गदगद हैं आप लोग इस फैसले से? इस फैसले से पूरे क्षेत्र में ही नहीं, हमारे को भी बहुत बड़ा इसका बिल्कुल हमारे को खुशी हुई है।
क्योंकि देखो कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में या जो पुराने टर्म्स थे स्कूल के पास या मंदिर के साथ ठेके नहीं खुलने चाहिए। तो बहुत एक अच्छा कदम हमारे RWA ने, भाई महेश अमाना जी और ये सब लोग लगे हुए थे, उन्होंने उनका संघर्ष आज फलीभूत हुआ और कोर्ट द्वारा इस ठेके को बंद करने का आदेश पारित हो गया। जैसा कि जितेंद्र सिंह तोमर पहले भी बता चुके हैं कि हमने इसके बारे में लेटर भी लिखा था सरकार एक्साइज विभाग को। अब एक लेटर तो सभी विधायक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप भी समझदार हैं? एक विधायक की कंसल्टेशन के बिना इलाके में ठेका नहीं खुल सकता। इलाके का विधायक उस पर परमिशन देगा तभी ही ठेका खुल सकता है। ये महज एक छलावा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला है कि मैंने लेटर लिख दिया था। ऐसा कहीं भी नहीं है। वो किसी भी मंच पे आके उन्होंने उद्घोषणा नहीं करी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम आज 12-15 दिन से संघर्ष में हैं। एक बार भी उन्होंने आके नहीं कहा मैं साथ हूँ, और वो दिल से नहीं चाहते कि ठेके बंद हो। कुहाट भाग में भी आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है वहाँ भी ऐसे ही इस तरह का कोई खबर आएगी, कोई खुशखबरी आएगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये कोर्ट द्वारा ठेका बंद हुआ उसके जो कुहाट में मेन उस पर खुला हुआ है कपिल बॉडी टेम्पल के, उसके कुछ ही मीटर पे मंदिर भी है, तो वहाँ भी संघर्षशील हैं और हम उसको बंद करा के ही रहेंगे, ये हमारा निश्चय है। फैसला आया आप लोग कोर्ट का फैसला आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं RW की तरफ से और रामपुरे गांव की तरफ से इस फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें यही उम्मीद थी। मैं आपको बता दूँ, देखो सबकी अपनी अपनी अलग राय है। हमारे जो MLA साहब है प्रीति जितेंद्र तोमर जी, उन्होंने पहले ही एक एक्साइज को लेटर लिख दिया था और पार्षद साहब ने, राजीव जी ने ये लेटर लिख दिया था, उसके व्याप पे काम हुआ है। जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे विधायक श्री प्रीति जितेंद्र तोमर जी की है, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल करा। बाकी सबके अलग अलग राय, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा रोल जो रहा हमारे विधायक श्री प्रीति जितेंद्र तोमर जी और काउंसलर राजीव यादव जी का रहा। धन्यवाद। महेश अमाना साहब, जिस तरीके से मैंने मकान मालिक जो है यहाँ के ठेके का जय किशन जी उनसे बातचीत किया था, 40 रुपये मैं गांव वाले को बचा रहा हूँ। देखिए, जय किशन जी का जो पुराना इतिहास है वो भी इस गांव के रहे हैं, उनका व्यवसाय है। आज जय किशन गोयल बने तो इस गांव के, पहले उनकी यहीं दुकान थी, इस गांव में यहीं से उन्होंने व्यापार, यहीं पले बढ़े। अगर उनकी ऐसी मानसिकता है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको समाज के साथ, उनके साथ धोखा किया है। उनको ईश्वर की अनुकंपा इतनी होने के बाद भी अगर उनकी मानसिकता, वो गांव के लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उनकी गलत सोच के बारे में मैं उसकी निंदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे, लेकिन समाज के लिए वो कुछ आगे बढ़े। क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि गिरिराज सेवा मंडल के वो अध्यक्ष भी हैं, जिस सेवा गिरा सेवा मंडल का नाम रामपुरा के नाम से, मैं भी उसका कभी संस्थापक सदस्य रहा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ वो अपनी उस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं ईश्वर से यही अनुकंपा, ईश्वर से यही मांग करूंगा, दुआ करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे और वो जो ठेका आज ऑनरेबल कोर्ट ने बंद किया है तो हो सकता है वो अपनी सोच को शायद बदलें।